इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 73 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया और ऐसा भारत के साथ पहली बार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेटों से हराया। इंदौर टेस्ट मैच के तीनों दिन गेंदबाजों का बोलबाला रहा। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया ने 73 साल पुराना एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में बल्लेबाजी करते हुए दोनों पारियों मिलाकर सबसे कम रन बनाकर भारत को हराया। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 197 रन बनाए तो वहीं दूसरी पारी में 78 रन बनाए। इस तरह दोनों पारियों में मिलाकर सबसे कम 275 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर जीत दर्ज की। इससे पहले इंग्लैंड ने साल 1992 में कानपुर में भारत के खिलाफ दोनों पारियों में मिलाकर 279 रन बनाकर जीत दर्ज की थी और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 319 रन बनाकर चेन्नई में 1956 में भारत के खिलाफ जीत दर्ज की थी।